ये देखिए गाइस, आज मैं आप लोगों को इंस्टेंट तरीका दिखाने वाली हूँ खीर बनाने का, जिससे जो हमारी खीर है उसे हम फटाफट से बना लेते हैं। तो ये मैंने क्या किया है, ये मैंने बहुत छोटी कटोरी है उससे चावल लेकर के उनको मैंने कुकर में बॉईल करने के लिए रख दिया था पानी डालकर। इसमें हमने और कुछ भी नहीं डाला है, जस्ट पानी और चावल हैं। तो ये अच्छे से हमारे पानी और चावल जो हैं बॉईल हो गए हैं, और अब मैं इन्हें इसमें मैश कर लेती हूँ पहले। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारे चावल हैं इनको हमने अच्छे से मैश कर दिया है, और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये एक ग्लास मिल्क, और अब हम इसे गैस पर पकने के लिए रख देते हैं। ये चावल बॉईल करने से क्या होता है माय फ्रेंड्स, कि ये जो खीर है हमारी बहुत ही जल्दी बन जाती है, क्योंकि अगर हम चावलों को दूध में डालकर गलाते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए हम उसमें कुकर में अगर हम उसमें 1 से 2 सीटी लगा देते हैं तो वो चावल बहुत जल्दी पक जाते हैं। और उसमें बस हम अपना दूध ऐड कर दिया है, और अब ये मैंने इसमें डाल दिए हैं अपने कुछ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। ये ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये इलायची पाउडर। ये 2 इलायची के दाने हैं जिनको निकाल के मैंने अच्छे से पीस लिया है, और अब मैं इसमें डालूँगी शुगर। वो आप जितनी आपकी खीर है उसके अकॉर्डिंग आप उसमें शुगर डाल लें। कुछ लोग कम चीनी खाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा चीनी खाते हैं, तो मेरे हिसाब से इतनी चीनी जो है काफ़ी रहेगी मेरी खीर के लिए। तो ये देखिए, अब हमने इसमें सब सामान जो है अपना मिला दिया है, अब बस हम इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। ये धीरे धीरे पक कर थोड़ी सी जो है गाढ़ी हो जाएगी, तब हम इसको देखते हैं। तो ये देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये जो है हमारी खीर अब रेडी हो चुकी है। ये बहुत ही यम्मी बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी जो है पसंद आई होगी। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।